शनि जनित शुद्धिकरण है। एक नंबर अगर किसी में दम रखता है तो वह है एक नंबर हनुमान जी का कवच, ठीक है, क्योंकि इसी में वो दम है कि आपके जितने भी, जैसे कोई बड़ा आपके बॉडी में या शनि का कोई बहुत ज़्यादा मेलिफिक एनर्जी ग्रोन अप या हाई या लो ऐसा कुछ हाई वोल्टेज आ गया तो वो क्या करता है, ऑब्जर्व कर लेता है। तो उसको घर घर में जो करंट बोर्ड लगता है अगर फ्यूज फेलियर हो जाए तो उसमें ट्रिप हो जाता है, पीबीसी या एमबीसी कुछ स्विच बोलते हैं, हाँ एमसीबी स्विच बोलते हैं। तो इस कवच इसका यही काम है, उससे ज़्यादा आशा मत करिए, सेफ्टी। हाँ तो कल एक बेंगलोर से सज्जन आए हुए थे जिनका रुद्राभिषेक चल रहा है, बोले कुंडली देख के कवच देंगे या ऐसे ही कवच पहन लें। मैं बोला गाड़ी जब चलाता है तो का कुंडली देख के हेलमेट पहनता है तभी ट्रैफिक वाला पकड़ता है, ठीक है। तो कवच तो सबके लिए आवश्यक है, कम ज़्यादा है ना। हनुमान कवच सिद्धि, जो न्यासित हो प्राण प्रतिष्ठित हो उसका जो आवश्यक मंत्र है उतना जाप हो और उसका हवन किया गया हो तो आपके पास पॉसिबिलिटीज़ है। मैं उसका भी फॉर्मूला दे दिया हूँ, पूरा ओपन डिस्क्लोज, कोई छुपा हुआ नहीं कि मेरे पास सीक्रेट है, हम करेंगे तो पावरफुल, आप करोगे तो दुर्बल, ऐसा नहीं है। आप कर लो तो उसका कर लेने मात्र से ही तो आपका, जब खुद करोगे तो अच्छा है, नहीं है तो मैं पंडित भिजवा दूंगा करा लो, नहीं है तो आप यहाँ पर आके करवा लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वो ज़रूरी है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी मैं उसको लेता हूँ, ठीक है, अनुभव से कह रहा हूँ, इसमें विश्वास का कोई खेल नहीं है, पूरा साइंस है। आप बोलोगे पैसा खर्चा करोगे तो मशीन ला के आपके ब्रेन में ECG MCG DCG KCG सब लगा के पूरा रेटिंग बना के रिपोर्ट निकाल के दे दूंगा कि देखो क्या है, बिफोर शनि 7:30 आफ्टर शनि 7:30 ऑन द टाइम ऑफ शनि 7:30 पीक पीरियड ऑफ शनि 7:30 ब्रेन के हर एक इम्पल्सेस से लेके हनुमान कवच का साधना, हनुमान कवच का पूरा अनुष्ठान के बाद क्या क्या है ये बता दूंगा, पूरा एकदम साइंटिफिक डाटा दे सकता हूँ, और पेन चैलेंज कोर्ट पेपर में लिख के दे दूंगा। ये पहला पार्ट। सेकंड, नहीं कर सकता कोई, ठीक है, ऑफिशियली आप, आपके नाम पे जो, जैसे अभी हनुमान जयंती हो गया या ये सब में आपके नाम पे करवा के मंगा लो। दूसरा और सबसे इम्पोर्टेंट माने रखता है शनि 7:30 जनित मलिफिक एनर्जी को रिड्यूस करने का महान और परम रामबाण इलाज है शुद्ध देसी गाय का गोमूत्र। ये बार बार बोल रहा हूँ, कंसेंट्रेट नहीं पीना, जल्दी हो जाएगा बोल के पूरा बोतल नहीं पीना, साइड इफेक्ट है मानता हूँ, और वो काम नहीं देता है हायर कंसेंट्रेशन में। आप बोलोगे थोड़ा सा हम समझे नहीं महाराज, डरा रहे हो, नहीं डरा रहा हूँ। देखो, आपको बोला गया कि सिकंजी नींबू का शरबत पियो, आप बोलोगे अरे यार नींबू का शरबत पीने से पेट ठंडा रहता है, लू नहीं लगता है, शरीर अच्छा रहता है, ब्लड साफ रहता है, चर्बी घट जाती है। अच्छा जानते हो भाई, बढ़िया बात, लेकिन प्रयोग नहीं जानते। क्या किया, पूरा नींबू लाया, 4-5 निचोड़ लिया, एक गिलास नींबू पानी निकाला, नींबू का रस रॉ कॉन्सेंट्रेटेड पी गए, क्या होगा बोलो? अरे हॉस्पिटल में ICU में जाना पड़ेगा, इतना साइट्रिक एसिड नाइट्रिक एसिड पेट में जाएगा तो। हाँ सोचो, कोई राजीव भाई बोले कि चूना खाने से वीर्यवर्धन होता है, शरीर मजबूत होता है, हड्डी तड्डी मजबूत रहता है, दांत नहीं झड़ते हैं, बाल पकते नहीं है, एसिडिटी दूर होता है, चूना खाने से बॉडी में पीलिया नहीं होता है, वगैरह वगैरह बड़ा प्रवचन दे दिए आप। और आपको नीचे पहले वीडियो में बता दिए कि चावल बराबर चूना और चना बराबर गुड़ मिला के खाओ, या दही के साथ खाओ या दाल के साथ खाओ। आप अपना बुद्धि लगा दिया और गया बेटा 3 किलो चूना लाया, एक साथ फेंट दिया और पी गया, क्या होगा बताओ? ICU तक भी नहीं पहुंच पाओगे और रास्ते में ही कोलैप्स, ठीक है। ऐसा ही हर चीज का। तो गोमूत्र जब पियोगे तो 1 लीटर पानी, और जो अर्क पियोगे शुद्ध देसी गाय का इंडिजीनियस जेबोकाओ, एक ठिपी ओनली
वो कितना रहता है, 20 ml या 10 ml का एक ठिपी रहता है ना, मिली लीटर लीटर, ऐसे बढ़िया से समझ लो। एक लीटर माने कितना हुआ, 200 ml, हाँ 200 ml एक बोतल आता है। मेरा गोमूत्र वाला बोतल देना, वो वाला बोतल नहीं, यहाँ होगा, चलो बाद में। तो 200 ml और एक ठिपी का कितना हुआ, एक ठेपी मतलब समझते हो, ठेपी केप, केप प्लास्टिक का केप दे, एक जो केप होता है ना इसमें कितना लिखा रहता है, एक केप बराबर जा, हाँ तो उतना को एक लीटर पानी में मिलाना है, क्योंकि मेरा जो गोमूत्र है हाईली कॉन्सेंट्रेटेड है, मतलब बहुत पावरफुल है, फुल्ली माल जिसको बोलते हैं, ठीक है, डायरेक्ट भट्टा का माल है। तो एक लीटर में एक केप ओनली, उसको दिन भर पीते रहना है या सुबह खाली पेट सुबह उठते ही पी लो। और फिर मेरे को 24 घंटा से लेके 48 घंटा का रिजल्ट बता देना, और 90 दिन का होता है कंप्लीट साइकिल डोज, एक कोर्स, ऐसा नहीं कि एक एक बोतल पी लिए हुआ नहीं, 90 डेज का कोर्स पी के देखो, फिर बोलना कि शरीर में क्या क्या बीमारी है, क्या क्या दुर्गंध है, क्या क्या कॉन्स्टिपेशन है, क्या क्या सरदर्द है, और दिमाग कैसे खुलता है, और धनलक्ष्मी का आवाहन कैसे होता है। मैं नहीं कह रहा हूँ करोड़पति बन जाओगे, अरबपति बन जाओगे, ट्रिलियन मिलियन का रमा लोगे, लेकिन लक्ष्मी माने क्या है, पेट सफाई माने क्या है, शरीर का हल्कापन माने क्या है, वो पता चल जाएगा। बुद्धि माने क्या है, दुर्बुद्धि माने क्या है, लक्ष्मी माने क्या है, अलक्ष्मी माने क्या है, ये सारा आइडिया हो जाएगा। प्रैक्टिकल है ना सारा खेल मेरे पास, थ्योरी कम प्रैक्टिकल ज्यादा है ना महाराज। तो अभी जैसे वो महाराज आया मेरे को, बोला बेंगलोर से वो महाराज आया, बोला हमको राम वो हनुमान चालीसा भी करना है, सुंदराकांड भी करना है, पीपल गज का वृक्ष का परिक्रमा भी करना है, और शनि का दान करना है। बोले पंडित पहले जो काम के लिए आया है रुद्राभिषेक करके देख कैसा रिजल्ट आता है। हाँ जी, राम राम। तो एक चीज का रिजल्ट पहले बढ़िया आ जाए, खुद अनुभव करो एक दिन के अंदर। जी राम राम। हर चीज को साइंटिफिकली पहले आप अनुभव करिए, कैसा लग रहा है देखिए, ऑटोमेटिक आपका प्रश्न का उत्तर आपको मिल जाएगा। हम आपको झूठ बोल के काहे समझाएं, रुको रिक्यूपरेशन। तो अपने आप अनुभव कर लो, आधा घंटा में क्या फील है, एक घंटा में क्या फील है। ये अभिप्राय यह है कि जो काम शुद्धिकरण का है पहले अनुभव करिए ना, अनुभव तो खुद हो जाएगा। ये थोड़ी पोंग, हाँ कम मात्रा में करने से लाभ नहीं मिलेगा, और ज़्यादा मात्रा में करने से लाभ नहीं मिलेगा, ठीक है। मिनिमम 90 दिन का प्रैक्टिस, तो ये और जब करोगे तो अनुभव हो जाएगा कि क्या फ़ायदा क्या नुकसान। इसमें कोई झूठ बोलने का विषय नहीं है, ठगने का विषय नहीं है, फरेब में रखने का विषय नहीं है, पूरा प्रैक्टिकल साइंटिफिक बात करते हैं हम। क्लियर? हाँ, और बोलिए क्या प्रश्न। धन प्राप्ति के लिए एक बात हमेशा याद रखना, श्री यंत्र जरूर, शनि शुद्धिकरण जरूर, लेकिन भोलेनाथ के गांव में रहते हो ना, घर में रहते हो ना, भोले नगरी में रहते हो ना महाराज, प्रयागराज में, तो भोलेनाथ के किसी भी फॉर्म पे छोटा सा उंगली बराबर बिलिंग लेके उसमें गन्ने के पानी में या गुड़ के पानी में या मधु के पानी में पक्का पक्का या तो रुद्राभिषेक या तो लघु रुद्राभिषेक या तो जो सी हनुमान रचित रावण रचित शिवतांडव स्तोत्र है ना, उसका अनुष्ठान करना। तो ये तीन विषय बिंदु में बताया आपको, स्थिर लक्ष्मी प्राप्ति, और ये बेसिक है, बेसिक एडवांस तो बहुत सारा काम है, ये मदांग वो मदांग, उसका पूजा उसका पाठ। पहले अगर
5 mg का मेडिसिन में रोग ठीक हो जाए तो 600 mg का जरूरत नहीं होता, ठीक है। लेकिन एक बात याद रखना, कम करोगे, विधान के अनुसार नहीं करोगे और रिजल्ट का आशा करोगे, गलत हो जाएगा ना। बस ठीक है।